Good morning, my dear student. Myself, Ravi Singh, your science teacher. Once again, present here to teach you the first chapter of biology, that is life process. In last class, we have studied about respiration in human. I hope you all understand it. So let's continue our topic, that is diaphragm. What do you mean by diaphragm? Right, its function. एक क्वेश्चन ये बनता है. डायफ्राम से आप समझते क्या है, इसका फंक्शन क्या है. तो आप आसानी से कह सकते हैं कि डायफ्राम कैसा स्ट्रक्चर होता है. डायफ्राम का कुछ ऐसा है कुछ स्ट्रक्चर इसका. ये नीचे की तरफ पुल्ड होता है, फिर ऊपर क्या होता है, नीचे की तरफ पुल होता है, फिर वापस रिटर्न हो जाता है. तो यही डायफ्राम जब ऊपर या नीचे होता है, अपने पोजिशन से चेंज होता है, तो एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है, जो आपको हम पिछले 2-3 क्लास साथ स्टार्टिंग में ही बताए थे जब रिस्पिरेशन शुरू किए थे, कि जो ये जो एयर जो एटमॉस्फेयर का आएगा, वो कभी भी अगर सेम कंसंट्रेशन होगा एटमॉस्फेयर का और इनसाइड लंग्स तो नहीं होगा. कब आएगा जब बाहर और अंदर के बीच में कोई डिफरेंस हो, हायर कंसंट्रेशन कहीं पे हो, कहीं पे प्रेशर लोअर, कहीं ज़्यादा हो, कहीं कम हो. मतलब अगर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, एक कोई अंतर होगा, दोनों में डिफरेंस होगा, तभी मूव करेगा, या तो अंदर से बाहर, नहीं तो बाहर से अंदर. अगर ये दोनों बराबर है तो मूवमेंट क्या होगा, नहीं होगा. सिंपल सा चीज़ है, बहुत कॉमन सा चीज़ है. जैसे हम लोग मान लीजिए ठंडा में अगर कॉफ़ी पीते हैं तो क्या होता है, कॉफ़ी पीते हैं तो उस टाइम तुरंत बहुत इमीडिएट आप मान लीजिए कॉफ़ी आपको मिला, कुछ दिन में क्या होगा, ठंडा हो जाएगा. लेकिन गर्मी के टाइम में, अभी इस मौसम में या और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, उस मौसम में अगर आपको कॉफ़ी मिले तो जल्दी क्या होता है, वो ठंडा होता है, नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो कॉफ़ी है वो डिपेंड कर रहा है किस टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे. और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस है. और ये गर्म होके आया था, 100 डिग्री सेल्सियस रहा होगा टेम्परेचर उस समय, 100 डिग्री सेल्सियस. तो 100 डिग्री सेल्सियस से और यहाँ पे इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, 40. तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस. तो ये 100 से 40 तक तो आ जाएगा बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि गैप है. बाहर का टेम्परेचर 40 है, इसका जो ये कॉफ़ी है उसका टेम्परेचर 100 है, तो जब बहुत जल्दी आ जाएगा 40. लेकिन 40 के बाद अब इसका भी टेम्परेचर 40, एटमॉस्फेयर फिर क्या भी कितना 40. तो अब यहाँ से जल्दी टेम्परेचर डाउन नहीं होगा. लेकिन ठंड के मौसम में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर मान लो 5 है और ये 100 है, तो तुरंत क्या होगा टेम्परेचर लो हो जाएगा. मतलब इस दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक क्या होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा. वैसे ही सेम चीज है कि जब तक एटमॉस्फेयर का प्रेशर और लंग्स के अंदर का प्रेशर के बीच में अगर डिफरेंस नहीं होगा, एक प्रेशर ग्रेडियंट नहीं क्रिएट होगा, तब तक क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा एयर का बाहर से अंदर या अंदर से बाहर. तो डायफ्राम का काम क्या है, इसका सिंपल सा काम है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को इनसाइड द लंग्स लाता है और लंग्स के अंदर से एयर को बाहर की तरफ एक्सहेल करता है. मतलब ये एक प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करता है, कौन, डायफ्राम, ठीक है. चलिए तो अब लिखते हैं डायफ्राम के बारे में है क्या. इट इज अ थीन मस्कुलर. अच्छा, आप लोग देखे भी होइएगा, कोई गुंबद वगैरह होता है, मस्जिद का गुंबद या किसी भी चीज का गुंबद जो होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है, डोम शेप. उस जो वो गुंबद का जो शेप होता है उसको क्या बोलते हैं, डोम शेप बोलते हैं, ठीक है. तो वैसा ही इसका स्ट्रक्चर भी होता है, कैसा, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है किसका, डायफ्राम का. तो इट इज अ थीन मस्क्यूलर डोम शेप स्ट्रक्चर which separates abdominal cavity
टू द विथ थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। देखिए हम आपको उस समय से बार बार बता रहे होंगे प्लीयूरा, प्लीयूरा के इनर, मतलब उस समय से नहीं, मतलब पिछले कुछ क्लासेस में हम आपको बताए होंगे ये जो प्लीयूरा है, प्लीयूरा का दो लेयर, एक इनर लेयर एक आउटर लेयर, बताए थे ना इनर लेयर आउटर लेयर। इनर लेयर को अगर मतलब बहुत डीप में जाएंगे तो क्या होता है, विस्कर लेयर, बाहर वाला पेराइटल लेयर। तो इनर लेयर वाला डायरेक्ट कंटिन्यू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा किसके, एल्वियोलाई के, बाहर वाला किसके कॉन्टेक्ट में होगा, थोरैसिक कैविटी के। मतलब नीचे क्या है, इसके जस्ट नीचे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिन वाला कैविटी स्टार्ट हो जाता है। ऊपर में कौन सा है, चेस्ट कैविटी, ऐसी को बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। नीचे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, बीच में क्या है, डायफ्राम है। तो कह सकते हैं डायफ्राम जो है थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को, एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। तो यही लिखे हैं, इट इज अ थिन मस्कुलर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है, डोम शेप, विच सेपरेट्स एब्डोमिनल कैविटी विथ थोरैसिक कैविटी। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब है हाँ, अब इसका राइट लिखते हैं हम फंक्शन, फंक्शन क्या है इसका, डायफ्राम का। तो क्या है फंक्शन बताइए, इतना बहुत ज्यादा कर दिया। देखिए फंक्शन जो है इसका, फंक्शन ये है, अभी अभी बताया ना, ये क्या करता है, एक प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करता है, एक वैक्यूम इफेक्ट को क्रिएट करता है। हाँ एक चीज़ और जान लीजिएगा, अभी एक चीज़ याद आया कि ये जो हमारा थोरैसिक कैविटी है जिसमें लंग सिचुएटेड है, एक गुब्बारा को ले लेना है, गुब्बारा को ले लेना है, ठीक है। गुब्बारा को मान लीजिए हम क्या किया, उसको उसमें एयर फिल किए और उसको मतलब उसके एयर फिल किए, फिल किए तो कैसा होगा, गुब्बारा फूल जाएगा, गुब्बारा क्या हुआ, फूल गया। अब क्या करना है हमको, उसका जो एंड होता है, एंड होता है जहाँ से एयर फील करते हैं, उसको पकड़ लेना है हाथ से, उंगली से, ठीक है, उंगली से पकड़ लेना है। अब जैसे ही उंगली को हटाएंगे तो क्या होगा, गुब्बारा क्या होगा, पिचकने लगेगा, एयर निकलने रिलीज होने लगेगा। तो साइज क्या होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि वो उंगली से पकड़े हुए एंड पॉइंट, उसको क्या कर रहे हैं, जैसे ही छोड़ेंगे तो अब क्या होगा, एयर निकला तो साइज क्या होगा, छोटा होता चला गया गुब्बारा का। तो मान लीजिए कि उसको पकड़े हुए हैं, कहीं और से हम क्या किए, उसमें पिन या कुछ भी, मान लीजिए कहीं छोटा सा होल हो गया, एक और होल हो गया, तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन करेगा प्रॉपरली, नहीं करेगा। इधर से आप पकड़े हुए तब तक पूरा क्या होगा, इधर से पूरा निकल गया होगा, जब पूरा का पूरा एयर रिलीज हो गया तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। कहने का मतलब है हमारे लंग्स का भी कुछ ऐसा ही है, लंग्स का भी कुछ ऐसा ही है कि एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के बाद ब्रोंकियल्स है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, आप समझ रहे हैं, पूरा जो ट्रैकिया वगैरह ये जो भी है इधर बना हुआ है सबका, इधर जाएगा ये, इधर जाएगा ये वगैरह, ये काम करेगा, ये दिस ये करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्या हो, ये एयर इसमें आ गया, एयर आ गया कहीं से, इसको तो निकलना है ऐसे होते हुए, नॉस्टिल से होते हुए, कहीं यहीं पर लीक हो जाए तो सारा एयर इधर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इधर उधर कहीं भी लीक अगर हो जाएगा तो क्या होगा, एयर इधर उधर रिलीज हो जाएगा, तो फिर प्रोसेस सक्सेसफुली हो पाएगा रिस्पिरेशन का, नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये जो पूरा का पूरा हमारा लंग्स जो है वो थोरैसिक कैविटी में इस तरह सिचुएटेड है कि वो जो एक जैसे एयर टाइट कंटेनर होता है ना, वैसे ही ये भी एक एयर टाइट मीडियम को क्रिएट करता है, कहीं से भी कुछ रिलीज विलीज नहीं हो सकता है, गैसेस एक्सचेंज रिलीज नहीं हो सकता है, एयर टाइट कंटेनर है, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर है, मतलब पूरा एकदम पैक्ड है, कहीं से भी जो रास्ता है उसी रास्ता से रिलीज होगा, किसी और रास्ते से रिलीज नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए पता नहीं अब हो पाएगा कि नहीं आज भी। तो देखिए इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या होगा, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस इटसेल्फ
सो दैट इट क्रिएट्स प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर क्या हो गया लाइट में क्यों ऐसे, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स इटसेल्फ सो दैट इट क्रिएट्स प्रेशर ग्रेडियंट, या फिर इसी को बोलते हैं वैक्यूम इफेक्ट, या प्रेशर ग्रेडियंट ही रहने दीजिए, प्रेशर ग्रेडियंट. सो एटमॉस्फेरिक एयर इज इनहेल्ड या फिर एक्सहेल्ड फ्रॉम द इनहेल्ड या एक्सहेल्ड, यहीं तक रहने देते हैं. देखिए तो ये बातें समझ में आई, ये क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा अपने आप को ताकि एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो, ताकि एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो इनहेल हो सके या एक्सहेल हो सके. ठीक है, अब एक और फंक्शन है, आप खुद सही लिख लीजिए फंक्शन क्या है, ऐसे लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. ये एयर को इनहेल और एक्सहेल करने में क्या करता है, हेल्प करता है, इसी की मदद से होता है. अगर डायफ्राम प्रॉपर्टी आपका फंक्शन नहीं करेगा, डायफ्राम अगर नीचे नहीं आया, नहीं खींच, मतलब वो नीचे की तरफ नहीं अगर पुश हुआ तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज ही नहीं करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा तो हम इनहेल नहीं करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा, तो एटमॉस्फेयर का एयर ना आएगा ना जाएगा, तो क्या होगा, हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. मतलब डायफ्राम का सिंपल सा काम है ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को क्या करता है, परफॉर्म करने में मदद करता है. विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कैन बी पॉसिबल, अदरवाइज इट कैन नॉट बी पॉसिबल. ठीक है, तो डायफ्राम भी हमारा क्या हुआ, खत्म हुआ. अब यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आते हैं वो आपको हम बताते हैं. ठीक है, क्वेश्चन क्या बताया था ना, गर्मी रहना सोचते हैं पूरा आज खत्म नहीं कर दे, एक घंटा डेढ़ घंटा जो भी होगा, लेकिन कभी बीच में कॉल आ जाएगा, कभी गर्मी गर्मी तो हमेशा लगता है, अभी तो खास कर रहे हैं. अब देखिए दो क्वेश्चन है यहाँ से, एक क्वेश्चन है आपका बनता है गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा राइट द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज, कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, और ये क्वेश्चन पूछा तो तीन नंबर में पूछेगा. एक दूसरा क्वेश्चन पूछेगा राइट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, राइट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमन. तो देखिए गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस अगर पूछेगा तो क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वियोलाई में, मतलब हम सिंपल सा लिख देंगे, वो प्रोसेस लिखेंगे कहाँ से, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियल्स, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से फिर कहाँ, और ब्लड से फिर एल्वियोलाई में, यहीं तक प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे. बिकॉज पूछा क्या है क्वेश्चन में, गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म, तो उसका मैकेनिज्म वहीं तक स्टॉप हो जाएगा. अब अगर पूछा राइट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, तो ये पूछेगा तो एटलीस्ट पांच नंबर में, तो इसका आंसर भी क्या होगा, मतलब अच्छा खासा आपको देना पड़ेगा, लंबा होगा. उस प्रोसेस में होगा क्या, इसमें होगा क्या, तो इसमें आपको पहले तो लिखना होगा गैसेस एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज होने के बाद जो लंग्स में जो ऑक्सीजन था वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज में क्या है, क्या है, आरबीसी है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, उसके फॉर्म में वो कहाँ जाएगा, हार्ट में, कहाँ जाएगा, हार्ट में, हार्ट में, हार्ट में जाने से पहले
हार्ट में जाने के बाद वो पूरे बॉडी तक पंप हो जाएगा, हार्ट पंप करेगा तो पूरे ब्लड जाएगा पूरे हर एक सेल में, सेल में जाने के बाद, सेल में जाने के बाद सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जो ग्लूकोज था पहले वो ब्रेक होगा, टूटेगा, टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज होगा। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस क्या होगा, कहाँ आ जाएगा, सेल से कहाँ आ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ब्लड में आएगा। कौन से प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस। फिर वहाँ से वो कहाँ जाएगा, वहाँ से धीरे धीरे कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी से कंबाइन करेगा और बनाएगा क्या, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या फिर कार्बेनामाइन बनाता है, जो उस दिन हम आपको बताए थे, ठीक है। और 7% ही होता है, वो बहुत थोड़ा सा बताते हैं अभी, कुछ परसेंट जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है और बाकी जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैवल करता है बॉडी के फॉर्म में। आपको ये चीजें अभी बताएंगे, आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है, ठीक है। फिर वहां से वो कहाँ आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की मदद से ही आएगा, कहाँ आएगा, लंग्स में। फिर लंग्स से कहाँ जाएगा, लंग्स में फिर डिफ्यूजन होगा, वो एल्वियोलाई में आया, एल्वियोलाई से फिर ब्रोंकियल्स, ब्रोंकस, ट्रैकिया, नाइजल कैविटी, नॉस्टिल्स होते हुए बाहर। तो इतना पूरा प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा, तो ये 5 नंबर में आएगा। और केवल गैस एक्सचेंज पूछा तो वो 3 नंबर में आएगा, और बस गैस को एक्सचेंज करा के छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, दो तीन बातें हैं आपको जो बता देते हैं, ठीक है। बातें बताने के लिए तो बहुत है, लेकिन उतना लंबा है, जो 10th में पढ़ना है उतना ही जाना है, डीट में जाना नहीं है। आपको हम बताए थे पिछले क्लासेस में हमारा राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के बारे में। राइट वाला थोड़ा सा वाइडर होता है, लेफ्ट वाला वाइडर, उसमें क्या होगा मतलब विड्थ उसमें थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। लेकिन राइट वाला लेंथ में छोटा होता है और लेफ्ट वाला बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो राइट वाले के नीचे क्या है, लंग्स है, तो लंग्स के लिए स्पेस क्रिएट करना होता है, दैट्स वाई वो थोड़ा सा छोटा होता है। लेकिन वाइडर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, राइट वाला जो है वो वाइडर ज़्यादा होता है, विड्थ उसमें ज़्यादा होता है। तो एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आपको मान लीजिए एक नंबर में कभी पूछ सकता है ऐसा कि हमारा जो लंग्स है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, राइट वाला और लेफ्ट वाला। तो राइट वाला लंग्स जो है वो वाइडर है, लेफ्ट वाला उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम वाइडर है। तो राइट वाले सेक्शन में अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, बनाने तो उतना अच्छा से आता नहीं है, फिर भी मान लीजिए ये हमारा दो क्या है लंग्स है, ठीक है, 2 लंग्स है। अब सपोज करना है इसमें आगे भी ब्रोंकियल्स वगैरह होगा, हम नहीं बना रहे हैं। तो ये वाला जो है राइट वाला, ये वाइडर ज़्यादा है, ये वाला क्या है उसके कंपेरिजन में कम है। तो राइट वाला जो हमारा लंग्स है वो 3 लोब्स में बटा होता है। व्हाट यू मीन बाय लोब्स, मतलब इसको हम 3 सेक्शन में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट वाले फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और जो लेफ्ट वाला है ये वाइडर कम है, तो ये केवल 2 ही लोब्स में बटा होता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट वाला जो लंग्स है वो कितने लोब्स में बटा हुआ है, तो क्या हम बोलेंगे, 3। क्या बोलेंगे, 3। लेफ्ट वाला 2, ठीक है। सुपेरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फेरियर लोब, सुपेरियर, मिडिल और इन्फेरियर लोब्स, और इसमें केवल सुपीरियर और इन्फीरियर लोब्स, ठीक है। तो वो क्या है नाम उसका, उसके बारे में नहीं जानना है, बस आपको इतना जानिए राइट वाले में 3 लोब्स में डिवाइडेड होते हैं, ये 2 ही होता है, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। लिख ही लीजिए, मन तो ऊपर वाले को बोलेंगे क्या, सुपीरियर, बीच वाले को मिडिल और लास्ट वाले को इन्फीरियर। क्या बोलेंगे, इन्फीरियर, ठीक है। इसमें केवल 2 ही होगा, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है, इन्फीरियर। आपको हम बताए थे ये जो ट्रैकिया है, यहाँ से ब्रोंकस होगा, ये प्राइमरी ब्रोंकस, तो यहीं तक जो है स्टर्नम होता है। क्या होता है, स्टर्नम। व्हाट इज स्टर्नम, जो हमारा बोन है कुछ ऐसा है, ये वाला जो बोन है, इधर से ये निकला गला के पास से, सपोज कीजिए ये है, तो इधर से ये बोन है, ये इधर से बोन है, और ये वाला कुछ ऐसा है। तो ये वाला सामने, एकदम जस्ट इसके सामने यहाँ तक आता है, 5वां और 6वां वर्टिब्रेट। कहिए क्या क्या बता रहे हैं सर, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है ना उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसमें अगर काउंट करें तो 5वां या 6वां के बाद ये स्ट्रक्चर खत्म होता है यहाँ पे आके, स्टर्नम। यहीं से स्टर्नम, ये क्या है, स्टर्नम कुछ नहीं, समझ लीजिए एक टाइप का बोन है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखा है।
इस स्टर्नम के पास से ही ये दो भागों में बढ़ता है कौन, हमारा ट्रैकिया। क्लियर है? इधर क्या है, रिब केज है, पूरा का पूरा रिब केज है, रिब केज। इधर भी क्या है, रिब केज है। क्लियर है? और जस्ट पीछे क्या है, पीछे क्या है, वर्टेब्रल कॉलम। तो हमारा जो है, और इसमें ये क्या है, प्लीवरा है। बीच में क्या है, फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। इधर भी क्या है, प्लूरल फ्लूइड है। प्लूरल सैक कहाँ है, कहाँ है, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल सैक है। ठीक है, इसके इनर वाले क्या बोलते हैं, विसरल सैक, बाहर वाले को पेराइटल सैक, या आउटर या इनर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। क्या हो गया, ये लाइट क्यों ब्लिंक कर रहा। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक क्या है, वो क्वेश्चन क्या है, राइट द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन। ठीक है, राइट द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। ये अगर पूछेगा तो कितने नंबर में, 5 नंबर में आएगा ये प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन की तरह भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा कहानी लिखना पड़ेगा कि डायफ्राम जैसे ही क्या होगा, नीचे की तरफ पुल होगा, एज डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स द प्रेशर इंक्रीजेस, द प्रेशर इंक्रीज मतलब प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट्स सो दैट द एटमोस्फेरिक एयर इंटर्स थ्रू द नॉस्टिल्स, नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी, देन ट्रैकिया, ब्रोंकस टू द एल्वियोलाई, वेयर एल्वियोलाई इनसाइड एल्वियोलाई गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो चलिए इस चीजों को लिखते हैं, लंबा थोड़ा सा होगा तो घबराना नहीं, लिखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो क्या होगा, एज डायफ्राम थोड़ा छोटा छोटा होगा लेकिन हम बोल भी रहे हैं तो आप लोग नहीं दिखेगा तो उसको लिख लीजिए खुद से, मूव्स डाउनवर्ड्स प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट्स इनसाइड, एज डायफ्राम मूव डाउनवर्ड्स प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट्स इनसाइड लंग्स सो दैट एटमोस्फेरिक एयर इंटर थ्रू द reaches to the alveoli through कहाँ, पहले nostril फिर, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं via nostril फिर nasal cavity, या nasal chamber भी बोलते हैं, nasal cavity फिर trachea, ब्रोंकस, एंड ब्रोंकियोल्स। ठीक है, नाउ बाय डिफ्यूजन प्रोसेस inhaled oxygen sorry inhaled air ही लिखते हैं, inhaled air diffuses and reaches to the blood capillaries ठीक है, blood capillaries।
फुल स्टॉप। नाउ हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अनस्टेबल कंपाउंड ऑक्सीहेमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द हार्ट बाय पल्मोनरी वेन वेयर हार्ट पंप्स ब्लड एंड वेन हार्ट पंप्स एंड एंड ऑक्सीजन रिचेस टू द देखिए पहले इतना सुन रहे हैं क्या लिखा है, पूरा कहानी लिखवा दी, इतना आपको समझ में भी आया कि नहीं है, देखना है क्या लिखवा है। डायफ्राम जैसे ही नीचे आएगा प्रोसेस प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, तो क्या होगा लंग्स में क्या होगा प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा तो एटमोस्फेरिक एयर कहाँ पहुंच जाएगा एल्वियोलाई में, कैसे नॉस्ट्रिल नेजल कैविटी ट्रैकिया ब्रोंकस होते हुए, ठीक है। और एल्वियोलाई में जब पहुंच गया तो क्या प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, और इनहेल्ड एयर कहाँ डिफ्यूज कर जाएगा और कहाँ चला जाएगा ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड में है क्या हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन कंबाइन करेगा किस चीज से, ऑक्सीजन से, क्या बनाएगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और फिर वो यहाँ से ध्यान देना ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाएगा। अब वो क्या होगा, यहाँ से पहले जाएगा हार्ट में, कहाँ जाएगा हार्ट में जाएगा, हार्ट में जाएगा किस वेन के द्वारा जाएगा, तो आपको याद रखना है ये नया चीज आपको एक मिला होगा, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा, हार्ट में, फिर हार्ट पंप करेगा और ऑक्सीजन रीचेस टू द ईच एंड एवरी सेल, तो हर एक सेल में चला जाएगा ऑक्सीजन रीचेस टू, लंबा होगा आपको इसको रट के याद कीजिएगा तो कभी नहीं याद होगा इतना लंबा, समझिएगा तो खुद से लिख लीजिएगा कुछ नहीं। क्या लिखा था लास्ट में, ऑक्सीजन रीचेस टू ईच एंड एवरी सेल, ठीक है। अब इनसाइड शेल सेलुलर रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस, क्या होगा सेलुलर रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक्स प्लेस, वेयर इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, कितना बड़ा लेक्चर हो गया 28 मिनट, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया वेयर कंबशन टेक्स प्लेस, वेयर स्टैंडर्ड वर्ड लिखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी रिलीजेज, क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। नाउ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ ये क्या जाएगा फिर ब्लड में, दिस अब जो सेलुलर रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस करेगा कौन सा प्रोसेस होगा वहां पे भी क्या होगा डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, सेलुलर रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, और उसके बाद इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया वेयर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, और CO2 क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। नाउ दिस CO2 जो बना अगेन डिफ्यूजेस एंड रिचेस टू द ब्लड, ब्लड में आ गया, ठीक है।
अब ब्लड में फिर ये कार्बन किससे मिलेगा, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बेनामाइन, या फिर और बताएंगे अभी वाटर के साथ रिएक्ट करके बना लेता है कार्बोनेट बना लेता है, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में भी ये पास होता है, बताते हैं। एंड रिचेस टू द ब्लड एंड कंबाइंस विथ वाटर, कंबाइंस विथ, हाँ क्या कंबाइंस विथ, अरे किससे कंबाइन करेगा, क्लास में रहते तुम लोग हेल्प करते ना, हम लोग भी बताए थे ना, CO2 डिफ्यूजन रिचेस टू द ब्लड एंड कंबाइंस विथ, देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा वर्ड क्या बोले उसको, अभी अभी बताया मैंने, कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और कंबाइंस विथ, अरे क्या सिंपल वर्ड जो है ना, हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या फिर ब्रैकेट में लिखिए कार्बोनिक एसिड, क्या है अभी उसको बताएंगे। एंड रीचेस टू लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्ट्री वेयर अगेन डिफ्यूजन टेक्स प्लेस एंड गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इनसाइड एंड CO2 reaches to alveoli. Now, हो गया यहाँ तक alveoli. फिर आगे लिखना है, अभी alveoli तक पहुंच गया, now this CO2 is ejected from the body via bronchus, trachea, nostril, etc. as diaphragm, pushes itself upward, ठीक है। देखो इतना कहानी का समरी क्या है, सुधीर से जो बताते हैं ना समरी, आपका वही समरी बता रहा है, कहानी का कुछ नहीं है। डायफ्राम नीचे आया, एयर इंटर लंग्स में पहुंच गया अल्वियोलाई में, वहां से ब्लड में गया, ब्लड में हीमोग्लोबिन कंबाइन किया ऑक्सीजन से, बनाया क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वहां से कहां जाएगा, एक नया चीज था क्या, पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में जाएगा, हार्ट से पंप होकर सेल में फिर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में टूटा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आया कहां, ब्लड में, ब्लड से फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया और कार्बोनेट को फॉर्म में कहां आएगा, लंग्स के पास, फिर वहां से डिफ्यूजन एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से फिर बाहर, जैसे आया था वैसे बाहर, यही कंक्लूजन है, ठीक है। इसमें कुछ ध्यान में चीज रखने वाली चीज क्या है, हाँ, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन बनाता है आपको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। अब देखिए बताते हैं क्या है, आपको बताए थे जो 100% ऑक्सीजन है उसमें 3% कहाँ चल जाएगा, प्लाज्मा में, बचा 97% इसके फॉर्म में जाएगा, वो भी 75% से वापस फिर आ भी जाता है, ये तो हम आपको बताए थे पिछले क्लासेस में। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर आ रहा है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन
या फिर इसी को बोलते हैं कार्वेना माइन, ठीक है, ये भी बना सकता है, दोनों कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। या और जो देखिएगा तो ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केवल केवल 7% कार्बन डाइऑक्साइड ही इससे कंबाइन होकर इस फॉर्म में रिलीज होता है, बाकी जो बचा हुआ 93% है वो जो वाटर है, वाटर तो बनेगा इस रिएक्शन में, रिलीज होगा वाटर, तो रिलीज होगा, इस वाटर के साथ कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड SCO2+H2O कंबाइन करके बनाता है H2CO3, इसी को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, और इस फॉर्म में वो ट्रैवल करेगा कहाँ तक, लंग्स तक, ठीक है। अब लंग्स तक करने से पहले, लंग्स से करने तक पहले वो हार्ट में जाएगा, और हार्ट से पल्मोनरी आर्ट्री के थ्रू कहाँ आएगा, लंग्स तक आएगा, ठीक है। ये बातें आई समझ में आपको, एक छोटा सा टॉपिक है ये, टॉपिक जिस दिन ये जो लेक्चर अपलोड करेंगे उसके बाद 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा, गैप मिलेगा, आराम से इसको नोट करके अच्छे से मेमोराइज करके क्वेश्चन बनाइएगा, तब फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज है। क्या बताने वाले थे भूल भी गए। याद नहीं आ रहा आप क्या बताने वाले थे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो भी लंबा हो रहा है, एमबी भी जाएगा। हाँ चलिए देखिए, एक चीज आपको ध्यान में रखना है भूलने के लिए नहीं, मान लीजिए सपोज कीजिए ये हमारा हार्ट है, हार्ट ऐसा घटिया हार्ट नहीं होता है, चलिए फसल अलग बनाते हैं, ऐसा घटिया सा किसका है, दिल टूट गया है मान लो, टूटा हुआ दिल है, ठीक है। तो ये मान लीजिए घटिया सा हार्ट, घटिया सा नहीं, अच्छा यहाँ पे घटिया सा लंग्स है, क्या ये लंग्स है, तो लंग्स से हार्ट में इंटर कर रहा है, लंग्स से हार्ट में जाएगा, तो लंग्स से हार्ट में कैसा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब उसमें ऑक्सीजन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो मतलब प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो लंग से पहले हार्ट से बॉडी में, क्लियर है, हार्ट से बॉडी में। अब एक चीज और ध्यान रखना है, फिर वो बॉडी से घूम के कहाँ आएगा, हार्ट में, पूरा इम्प्योर ब्लड, हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो उसको इम्प्योर बोलने लगेंगे। अब यहाँ से ये वाला इम्प्योर बोलते हैं, अभी इस सेंस में इम्प्योर ब्लड, दिस इज प्योर ब्लड, तो प्योर ब्लड लंग से कहाँ गया, हार्ट में, तो किससे कैसे जाता है, इसको याद रखना है, पल्मोनरी वेन की मदद से ये ऐसे ट्रेवल होगा, ठीक है। लंग्स से प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में जाने के बाद ये पूरा ब्लड बॉडी में ट्रेवल होगा, ट्रेवल होने के बाद फिर आएगा हार्ट में, और हार्ट में वो कैसा होगा, हर एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा हर एक सेल से, तो इम्प्योर हो गया, तो इम्प्योर ब्लड फिर हार्ट से कहाँ, लंग्स में, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्ट्री। ये आपको ध्यान में रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पल्मोनरी आर्ट्री क्या करता है, वेन क्या करता है, ठीक है। घटिया सा हार्ट नहीं, अच्छा है, गर्मी इतना लग रहा है, हो गया, अभी भी एक टॉपिक बचा हुआ है, हम बता देते हैं उसको, काम है आप लोग का लिखना, क्या है टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीदिंग से आप क्या समझते हैं, पूरा कहानी पढ़ लिए, पूरा सब कुछ तो कर लिए ना, ब्रीदिंग है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीदिंग, तो सिंपल सा ब्रीदिंग है क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, रिस्पिरेशन मतलब सेल के लेवल पे पूरा टूटना, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन को एक नहीं समझ लेना, सांस लेना रिस्पिरेशन एक चीज नहीं होता, रिस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम केवल सांस को लेते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, और बाहर रिलीज करते हैं, एक्सहेल करते हैं। आज का होमवर्क, चलिए होमवर्क देते, सारा कुछ अभी करें, ब्रीदिंग क्या है ये लिखना है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीदिंग, राइट, हम बता भी देते हैं उस चीज को लिखना है, डिफरेंस बिटवीन
ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एयर इनहेल और एक्सहेल होता है, कोई दिक्कत कोई डाउट इसमें नहीं होगा। और ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में क्या अंतर है, ये सिंपल सांस लेना और फिजिकल प्रोसेस, दिस इज फिजिकल प्रोसेस, कोई केमिकल एनर्जी होगा सांस लेने में, कोई बहुत फास्ट हो गया ना, सांस लेने में कोई केमिकल प्रोसेस यहाँ आया या सांस छोड़ने में, नहीं कोई केमिकल नहीं होगा, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। बट रिस्पायरेशन में तो पूरा बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है, अभी देखे ना ये इसमें कंबाइन कर रहा है, इससे कर रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो दिस इज केमिकल प्रोसेस, दिस इज फिजिकल प्रोसेस। ये फिजिकल के साथ साथ क्या है, उसमें केमिकल प्रोसेस भी है। इसको सांस लेने में अगर मान लो कि 2 महीने से आदमी नहीं खाया, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो सांस भी ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। मतलब ब्रीदिंग के प्रोसेस को, एयर को इनहेल और एक्सहेल करने में एनर्जी क्या होता है, कंज्यूम होता है, कंज्यूम होता है, इसमें एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। आपको पता है कार्बन ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और तीसरे एनर्जी रिलीज होता है, रिलीज होता है, क्लियर है। और इसमें क्या होगा, कंज्यूम होगा, कंज्यूम होगा, ठीक है। और बाकी डिफरेंस आपको ढूंढ ढूंढ के लिख के लाना है, 3-4, ठीक है। तो राइट द व्हाट इज ब्रीदिंग, राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग होता क्या है, इट इज सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, और बाकी डिफरेंस आपको लिख के आना है। इसमें एयर कंज्यूम होता है वगैरह दो हम बताए, और आप अच्छे से खुद से थोड़ा सा ढूंढ के मेहनत करके लाइएगा। इसके अलावा एक और चीज बच गया, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो ये C6H12O6 ग्लाइकोलिसिस, इट विल ब्रेक इन टू पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइरुवेट एंड पाइरुविक एसिड, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइड माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज साइट, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइड साइटोप्लाज्म, देन दिस पाइरुवेट कन्वर्ट ग्लूकोज इंटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड 38 ATP एनर्जी, ठीक है। आपको मैं यह लिखवा रहे हैं, आप अपने किताब में देखिएगा, बुक में देखिएगा, कहीं पे देखिएगा, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, MCQ आया, कहीं पे कहीं कहीं पे लिखा होगा 36 ATP एनर्जी, तो आप कहिएगा सर तो हमको बताया और 30, यहाँ दिया हुआ 36, तो क्या होगा, क्या होगा, 38 ही होगा, 38 आप मान के आइएगा, 36 नहीं मानिएगा, मतलब 38 भी सही है, 36 भी सही है, दोनों हो सकता है। अब कैसे सही है दोनों, तो देखो इतना ये सब जो टोटल बनता कितना है, 38 बना कितना, 38 ATP एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन ये प्रोसेस होगा ग्लाइकोलिसिस का, ये वाला इस सब प्रोसेस में कुछ एनर्जी नहीं यूज होगा, होगा तो 38 ATP तो नेट बन गया, लेकिन ये सब प्रोसेस होने में 2 ATP एनर्जी का क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया, यूज कर लिया, तो नेट कितना बचा, नेट कितना बचा, 36 ATP। तो कहीं कहीं पे आपको 36 भी लिखा होगा, कहीं पे 38 भी लिखा होगा, परेशान नहीं होना है, टॉपिक आपका खत्म हो गया, ये पूरा रिस्पायरेशन। अब नेक्स्ट या तो नया चैप्टर शुरू करेंगे या फिर ट्रांसपोर्टेशन हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी, अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो बताना है, मैसेज करना है, कमेंट करना है, और वो क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं कीजिए, सबसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यूट्यूबर नहीं बनना है हमको। तो क्या आया कंक्लूजन, ये निकला कि आपको वो जो दिए हैं ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में अंतर लिख के आना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट।